Hey guys, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब मौज कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर आप कैसे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे 3 सेटिंग्स बताऊंगा आपके इंस्टाग्राम की। अगर आपने उसको एनेबल करके नहीं रखा तो उसको जरूर एनेबल कर लेना। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो जाए या फिर और भी कुछ भी हो सकता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी हेल्पफुल भी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। देखो गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है, काफी नीड आपके सपोर्ट की। तो वीडियो को अपने आप मिनट स्टिक करते स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करके रखना है क्योंकि आज जब भी इंस्टाग्राम का अपडेट आता है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी आती रहती है एंड आपका इंस्टाग्राम सिक्योर है इसलिए इंस्टाग्राम अपडेट देता रहता है। तो जब भी इंस्टाग्राम का अपडेट आता है तो इंस्टाग्राम को जरूर अपडेट कर लेना। ओके, तो यह तो होगी नॉर्मल सी बात। अपन अब बात कर लेते कि आपको कौन सी सेटिंग्स आपको एनेबल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको अपन इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। तो सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है तो आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो इसके बाद में आपको लास्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एप्स एंड वेबसाइट, तो आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपन को यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिव का मिल जाएगा एंड इसके बाद में आपको एक्सपायर का मिल जाएगा एंड इसके बाद में आपको रिमूव का मिल जाएगा। तो आपको तीनों जो भी ऑप्शन इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको एक्टिव के अंदर कोई भी अगर एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे रहता है तो आपको इसको रिमूव कर देना। बिकॉज होता है क्या कि आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट कर देते हो तो क्योंकि यार जब भी किसी भी एप्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपका जो भी इंस्टाग्राम जो भी डेटा रहेगा वो सारा उस एप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक हो या फिर कोई सा भी आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन हो उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कभी भी आपको कनेक्ट नहीं करना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको एक्सपायर को भी ऑप्शन है तो इसको आपको रिमूव कर देना, आपको इसको छोड़ देना। इसके बाद में आपको रिमूव का है, जैसे कि मान लीजिए एक्टिव के अंदर जो भी आपके पास में एप्लीकेशन थे वो आपने रिमूव करे थे वो आपको यहाँ पे रिमूव के सामने शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी भी एप्लीकेशन के कनेक्ट करके नहीं रखा। अपन अब बात कर लेते कि आपको सेकेंड सेटिंग्स आपको कौन सी रखनी है। वापस अपन को 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना, फिर से अपन को सेटिंग्स के ऊपर आपको चले जाना। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टर वाला, तो इसको कर देना आपको क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने इसको एनेबल करके नहीं रखा तो उसको आपको कर देना गेट स्टार्ट के ऊपर। जैसे आप क्लिक कर देते तो अपन के पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फ्रेंड हो फिर और कोई भी हो जिसके पास में आपकी ID पासवर्ड है, अगर ID पासवर्ड उस बंदे के पास में अगर आप इस चीज़ को एनेबल करके रखते हो तो आपकी बिना परमिशन वो आपकी ID लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर एनेबल करके रखना है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको अपने व्हाट्सएप से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग यही बोलते मुझे कि यार मैंने 2 फैक्टर वाला सिस्टम ऑन तो कर लिया बट मेरे पास OTP नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका व्हाट्सएप है नंबर है वो आपको यहाँ पे आपको टाइप करके रखना है। जो भी आपका इंस्टाग्राम के अंदर आपने जो मोबाइल नंबर दे के रखा उससे व्हाट्सएप होना चाहिए एंड व्हाट्सएप के ऊपर हमेशा आपका OTP रिसीव हो जाएगा। अगर आप चाहते कि यार मुझे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर भी चाहिए तो वो भी कर सकते हो, फिर आप चाहते कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला आपको इसको एनेबल कर देना है। एंड इसी के साथ में लास्ट सेटिंग्स आपको कौन सी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक लॉगिन एक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्टिव नाउ का ऑप्शन है तो आपको समझ जाना है कि मेरे मोबाइल के अंदर ये वाली आईडी लॉगिन है। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कोई सा भी अगर नीचे शो करा तो उसको आपको लॉग आउट कर देना है क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर मेरी आईडी लॉगिन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि यार ये मेरा फोन भी नहीं है, ये मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर ही नहीं है एंड ये लोकेशन भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली आपको
यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा थ्री डॉट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे कर देने क्लिक। इसके बाद में आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको लॉगआउट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। आपकी आईडी लॉगिन कहकर रखता है तो उस बंदे पास में आपकी आईडी लॉगआउट हो जाएगी एंड चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा, तो आप चेंज पासवर्ड भी आप कर सकते हो। तो गाइस आपको इन सेटिंग्स को जरूर आपको एनेबल करके रखने हैं, क्योंकि यार काफ़ी लोग मेहनत इतनी करते हैं एंड अगर ये सेटिंग्स एनेबल करके नहीं रखते तो उनका अकाउंट चला जाता है। एंड आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों के पास में डीएम आते हैं फेक अकाउंट से कि ये अकाउंट है वो अकाउंट है, तो कुछ डिटेल्स होती है ऊपर से आपको एक लिंक मिलेगी कि आपको इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको उस लिंक के ऊपर कभी भी आपको क्लिक नहीं करना, बिकॉज इंस्टाग्राम की तरफ से कभी भी आपके पास में पर्सनल मैसेज नहीं आएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर इंस्टाग्राम को कुछ भी डिटेल्स देनी होती है डायरेक्ट मेल करता, आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करता, यानी आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको किसी भी लिंक के ऊपर आपको बिना सोचे समझे आपको क्लिक नहीं करना, ओके। तो ये सेटिंग्स आपको जरूर एनेबल कर लेना ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एकदम सिक्योर हो जाए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर तो जरूर कर देना। एंड चैलेंज के ऊपर पहली बार है तो चैलेंज को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो अपने भाई को जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड यूजर नेम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।